YouTube के मेरे इस चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले कड़ी में आपको बताया हुआ था कि अपनी इरिगेशन स्कीम की हेडवर्क में पढ़ने वाली हेड फ्लूज के बारे में, आज मैं आपको केनाल स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस समय स्ट्रक्चर के पास खड़ा हूँ, ठीक है, जो कि केनाल की स्ट्रक्चर है। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि फॉल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम देखेंगे फॉल। देखिए, एक फॉल होता है जो ग्लेसिस के रूप में होता है और एक फॉल होती है जो वर्टिकली ड्रॉप होती है। केनाल जब जैसी अपनी जा रही है, जब आपकी ग्राउंड लेवल सडनली अचानक से नीचे जाती है, तो उस समय अपनी जो केनाल है उसमें अर्थवर्क की फिलिंग और कटिंग की वैल्यू को एडजस्टमेंट करते हुए एक ड्रॉप जैसा स्ट्रक्चर तैयार होती है, जिसको अपन फॉल कहते हैं। तो अगर फॉल की पोजीशन में वाटर अगर डायरेक्टली वर्टिकल पोजीशन पे अगर ड्रॉप होती है तो उसे वर्टिकल फॉल कहा जाता है। लेकिन वही चीज एक ग्रेडियंट के रूप में, एक स्लोप के रूप में आपकी जो वाटर है इसकी फ्लूमिंग ड्रॉप होगी, उससे अपन ग्लेसिस फॉल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं केनाल स्ट्रक्चर, ग्लेसिस फॉल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मेरी अपस्ट्रीम केनाल की पोजीशन है, जो अपस्ट्रीम से अपनी वाटर जो है आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेरी एक फॉल की सिचुएशन यहाँ पर आपकी बन रही है। ये मेरी अपस्ट्रीम है, ये केनाल की फ्लो की डायरेक्शन मेरी इधर से कमिंग है केनाल की, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरी डाउन स्ट्रीम की पोजीशन है, यानी मेरी केनाल की फ्लो इस डायरेक्शन पे जा रही है। तो यहाँ पर केनाल की एक फ्लूमिंग कंडीशन बनी हुई है, ये इस पोजीशन को, इस स्ट्रक्चर को फॉल कहा जाता है। ये देख पा रहे हैं आप कि ये जो पोजीशन है मेरी फॉल है, जिसमें इस पोजीशन को मैं क्रेस्ट कहूँगा, और यहाँ एक स्लोप जैसी, एक ग्रेडियंट जैसी मेरी ग्रेड बनी हुई है, स्ट्रक्चर की पोजीशन जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ आपने ये क्रेस्ट वॉल है और उसके बाद जो है ग्लेसिस आप देख रहे हैं, ये एक ग्रेडियंट के रूप में, एक स्लोप में रूप में ये डिसाइडेड है मेरा। ये जो जहाँ आप देख रहे हैं ये मेरी थोड़ी वाटर से भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। इस पोजीशन को, इस स्ट्रक्चर के इस भाग को कहा जाता है आपकी किस्टन, किस्टन हो जाएगी। लेकिन ये पोजीशन डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि ये पोजीशन डाउन स्ट्रीम की है, इसलिए इसको, ये जो भाग है मेरा क्रेस्ट के इस भाग का, ये डाउन स्ट्रीम के भाग में आता है। जैसा कि आप, अब बात करता हूँ मैं इस पोजीशन की, जिधर से आपकी रिवर जो है, नाला जो है, या केनाल की जो वाटर लेवल है वो आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्रेस्ट के अपस्ट्रीम का भाग है, ये के पूरा का पूरा अपस्ट्रीम पोर्शन कहलाया जाएगा, इसलिए जो भी अपन नामकरण इसका करेंगे वो अपस्ट्रीम होगी। आप इस, ये जो बीच की पोर्शन है, इसमें आपकी वाटर जो है फ्लो होगी, वाटर जो है चलेगी, ठीक है। तो ये मेरी पार्टीशन का बीच वाला पोर्शन होगा, और इसके दोनों ही साइड में, बीच वाली पोजीशन के दोनों ही साइड में आपकी प्रोटेक्शन वाल, जिसे अपन विंग वाल है, कहलाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि केनाल का बैंडविड्थ मेरी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अपस्ट्रीम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी अपस्ट्रीम की स्प्लेट वाल कहते हैं। स्प्लेट वाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्प्लेट में है, ठीक है दोस्तों। और ये जो कहलाई आपकी अपस्ट्रीम विंग वाल भी कह सकते हैं। ये जो पोजीशन मेरी दिख रही है, ये मेरी अपस्ट्रीम, कहाँ तक अपस्ट्रीम है, जहाँ तक आपकी मेरी टॉप की जो चौड़ाई आपकी दिख रही है, यहाँ सामने गौर करेंगे तो एक बात आपकी सामने आएगी कि देखिए, एक हिस्सा जो मेरी परपेंडिकुलर स्प्लेट के 90 डिग्री में जो कटी हुई है, मैं बात करता हूँ यहाँ, जो मैं, ये देखिए, ये मैं विंग वाल पे कंटिन्यू मैं जा रहा हूँ, ये मेरी स्प्लेट वाल है अपस्ट्रीम की। और यहाँ से कम ये जो पोजीशन है मेरी, ये जमीन यानी केनाल अर्थवर्क के रोड के ठीक अंदर घुसी हुई है, तो इसे मैं अपस्ट्रीम का रिटर्न वाल भी कह सकता हूँ। अब सीधे मैं स्प्लेट वाल पे यानी विंग वाल पे चलता हूँ, तो ये मेरी पोर्शन कहलाएगी अपस्ट्रीम फ्लोर। इतने एरिया जो है मेरी अपस्ट्रीम फ्लोर कहलाएगा। और यहाँ देखिएगा दोस्तों कि एक 100 mm AC पाइप जो है
100 mm डाया का जो एसी पाइप इस ग्लेसिस के रूप में प्रोवाइड किया गया हुआ है। एक फ्लोर मेरी वहाँ दिखाई दे रही है जहाँ मेरी अभी उंगली लग रही है, और एक फ्लोर यहाँ दिखाई दे रही है जहाँ से आपकी कंटिन्यू पानी का जो है रिसाव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, या फिर स्टीम में जो पानी भरी हुई है ये जब तक बहरी रहेगी जब तक मेरी 100 mm का 100 mm की जो पाइप से तब तक बहती रहेगी जब तक यहाँ के पानी का जो स्टोरेज है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब ये देखिए, जैसे ही मेरी अपर स्ट्रीम की वाल जो है यहाँ तक मेरी अपर स्ट्रीम ये विंग वाल कहलाएगी, अब यहाँ से एक जो है स्लोप स्टार्ट हुई है, ये मेरी स्लोप है, यहाँ से मेरी अपर स्ट्रीम से कंटिन्यू डाउन स्ट्रीम की ओर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप मेरी फ्लो देखिए पिस्टन के साइड में डाउन स्ट्रीम पोजीशन में ये जो है ये बन रही है। यहाँ से देखने पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, वो जो है अप स्ट्रीम का वाल है, जिधर केनाल की आपकी फ्लो है, और ये जो है आपकी ग्लेसिस वाल है। इस पोजीशन में जहाँ पानी भरा हुआ है यहाँ भी एक फ्लोर होती है, इस पोजीशन फ्लोर की पोजीशन को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम फ्लोर, जिसे अपन ग्लेसिस का नाम दे देते हैं। और जैसे ही आपकी आगे बढ़ते हैं डाउन स्ट्रीम पोजीशन में, तो यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे कि यहाँ पर एक डाउन स्ट्रीम अपार्टमेंट या विंग वाल जो है बनी हुई है, ये होती है। क्योंकि आप स्ट्रीम में देखेंगे फाल जनरली जहाँ दिया जाता है जहाँ वाटर ड्रॉप होती है, तो वाटर ड्रॉप तो होती है साथ ही साथ अर्थवर्क में भी चेंजेस होता है। आप स्ट्रीम में जो आपकी अर्थवर्क है वो हाई लेवल पे होती है, और डाउन स्ट्रीम पोजीशन पे वही अर्थवर्क मेरी डाउन पोजीशन में होती है। तो डाउन स्ट्रीम पोजीशन की जो अर्थवर्क है उसको डाउन स्ट्रीम विंग वाल कवर करता है, अप स्ट्रीम की अर्थवर्क की जो लेवल है वो हाई लेवल होती है, इसलिए वो उस पोजीशन के हिसाब से अपार्टमेंट को ऊंचा बनाया जाता है और डाउन स्ट्रीम अपार्टमेंट को नीचा बनाया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि मेरी केनाल की पोजीशन वो हाई लेवल पे है, जबकि डाउन स्ट्रीम में वाटर ड्रॉप दिए जाने की वजह से यहाँ की लेवल जो है अप स्ट्रीम लेवल से मेरी डाउन पोजीशन में है। तो ये मेरी यहाँ तक आपकी यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ एक इंड सील होता है, इंड सील के बाद आपकी केनाल जो है कंटिन्यू फिर से जैसा कि अप स्ट्रीम में मेरी आई होती है, और फिर से वो चीज़ केनाल जो है ये डाउन स्ट्रीम पोजीशन से कंटिन्यू रहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि केनाल मेरी सीधे सीधे डाउन स्ट्रीम से विंग वाल से कनेक्ट होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरी जो ये केनाल है ये कंटिन्यू आके, अभी तो यहाँ फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए, और थोड़ी बीच में बारिश वगैरह होने की वजह से यहाँ अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये केनाल मेरी कंटिन्यू अंदर आएगी। जैसे ही केनाल मेरी कंटिन्यू अंदर आके वो मेरी ये जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ वो मेरी डाउन स्ट्रीम की विंग वाल कहलाएगी, तो डाउन स्ट्रीम विंग वाल में जहाँ वो टच करेगी वहाँ से अर्थवर्क के लिए कम से कम 2 फीट अंदर ये जो विंग वाल है वो अपने इसको घुसाना होता है, अंदर जो है ये विंग वाल जो है जाए रहती है। तो इस माध्यम से जैसा कि आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि ये जो फाल का स्ट्रक्चर है, ग्लेसिस फाल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ कम्प्लीटली रूप से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। YouTube सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस तरीके से मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन के स्ट्रक्चर आपके सामने आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।